कोरोना वैश्विक महामारी की यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यदि असर डाली सी थी शिक्षा व्यवस्था में, और यह शिक्षा व्यवस्था में स्कूल और कॉलेज दोनों बेहद प्रभावित बे हैं। जौने माँ हालांकि सरकारी कवायद कह रही हैं कि स्कूल और कॉलेज अब फिर से खुलें पटरी में आवे, जौने कहे कि 10वीं और 12वीं के स्कूल खोले के निर्णय आ चुका है, स्कूल चालू हो चुकी हैं, अब कॉलेज खोले के जो है निर्णय जो है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा दिन गया है। जौने माँ साफ तौर में यह कहा गया है कि 15 दिसंबर के बाद या कॉलेज खोले के सलगी जो है तैयारी कर ली गई और 15 जो है दिसंबर के बाद कॉलेज खुले जाएगी, जल्द जो है अधिकारी का निर्देश प्राप्त हो जाएगी। शुरू करी थे बेहद बड़ी खबर विंध्य क्षेत्र के, यह पहल बघेली न्यूज चैनल महम कनेश तिवारी अपना पंचायत का सभी जन का प्रणाम करी थे। और बेहद बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के जो है कोरोना काल में बंद सरकारी और प्राइवेट कॉलेज खोले जाए में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा जो है बेहद बड़ा बयान दिया गया है। मोहन यादव कहा है कि 15 दिसंबर से प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज खुल जाएंगे, एक साथ जो है सरकारी और प्राइवेट कॉलेज नियमित कक्षा जो है आयोजित की जाएगी। दरअसल जो है उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा जो है एक बार फिर से बिना तैयारी के बेहद बड़ा बयान दिया गया है। उनके द्वारा घोषणा की गई है कि 15 दिसंबर से सरकारी और प्राइवेट कॉलेज खोले जाएंगे, एक साथ जो है उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के कहब है कि कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षा शुरू की जाएगी जो नियमित रूप से संचालित हुई। मंत्री मोहन यादव कहब है कि 1 जनवरी 2021 से कॉलेज में विज्ञान संकाय के जो है प्रैक्टिकल शुरू की जाएगी। वहीं यह मामला में विभागीय अधिकारी कहब है कि उनका कॉलेज खोले जाए के संबंध में कोनो आदेश प्राप्त नहीं भाए, जैसा उनका आदेश प्राप्त हो जाएगी यह संबंध में गाइडलाइन जारी की जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में मार्च से कॉलेज बंद है, अब जो है 15 दिसंबर से खोला जा रहा है, एक साथ प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में नियमित कक्षा संचालित की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा कहा गया कि जल्द जो है कॉलेज खोले के आदेश अधिकारियों तक पहुँच जाएगी। इससे पहले शिक्षा मंत्री मोहन यादव 1 दिसंबर से कॉलेज खोले की घोषणा करे रहे, लेकिन तैयारी के अभाव में कॉलेज जो है नहीं खोले जाए। इसका निश्चित तौर पर सरकार लगातार कवायद कर रही है, सरकार जो है कहो न कहो यह बात सोच रही है कि स्कूल कॉलेज यदि समय में न खोले गई तो फिर परीक्षा में बेहद बड़ी दिक्कत है, समस्या आई और छात्रन का यदि पढ़ावा न जाए तो उनसे परीक्षा कौन हिसाब से ली जाए। तो निश्चित तौर पर यह क्षेत्र में यह बात बेहद जरूरी है कि सरकार यह तय करें कि हम कितने पाठ्यक्रम के पढ़ाई कराऊँ और कितने पाठ्यक्रम में जो है परीक्षा संचालित हुई। तो निश्चित तौर पर यह बेहद बड़ा जो है एक आदेश है और यह कहा जाए घोषणा ही कि 15 दिसंबर के बाद जो है सरकारी और प्राइवेट कॉलेज जो है खुले जा रहे हैं। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।